हेलो गाइस, कैसे हैं आप? कुकिंग विद दीपिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आधा लीटर दूध से आइसक्रीम, जिसके लिए हमने आधा लीटर दूध लिया है। ये देखिए, ये हमने एक चम्मच और ये डेढ़ चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हम थोड़ा सा दूध इसमें ठंडा दूध डाल रहे हैं, मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि आपको इसमें ठंडा ही दूध डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है और आधा लीटर दूध हमने गैस पे उबलने के लिए चढ़ा दिया है। ये देखिए दूध बॉयल हो गया है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं। ऐसे हमें चलाते रहना है इसे। ये देखिए गाइस, अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। ये हमें बंद गैस में डालना है, फिर गैस हमें ऑन करना है, नहीं तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा शुगर। आइसक्रीम बढ़िया नहीं जमेगी, क्रिस्टलाइज हल्का बीच बीच में हो जाएगा। आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर में ही चीनी मिलाकर डाल सकते हैं। ये देखिए ये हो गया है। अभी हम गैस ऑफ करके इसे ठंडा होने देते हैं। ऐसे ही ठंडा कर लेना है हमें। ठंडा करके हमें इसे फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए करीब। ये देखिए ये पूरा गल गया है, इस तरह से हमें चाहिए। अब हमें, अगर आपके पास बीटर हो तो बीटर से इसको बीट करना है। अगर आपके पास मिक्सी के जार में चाहिए, पहले हम इसे कर दे रहे हैं, उसके बाद हम क्रीम को फेटेंगे। देखिए हमने घर की मलाई ली है, आप चाहे तो विप क्रीम, चाहे तो आप कोई भी फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। इसे हम चलिए मिक्सी के जार में आपको डालकर दिखाते हैं। ये देखिए क्रीम पहले हमें डालना है, उसके बाद आपके पास विस्कर हो तो आप विस्कर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ मिक्सी की जार में, ये कस्टर्ड जो हमने 2 घंटे रखा था वो जम गया। ये देखिए हमने पीस लिया है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। ये हम इसी में जमाएंगे, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। ये हमारे पास थोड़े आम पापड़ हैं, ये हम आम पेपर डाल दे रहे हैं इसमें। इस तरह से करके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। आपके पास टूटी फूटी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें आम पापड़ डालने से इसका फ्लेवर मैंगो फ्लेवर आएगा। ये डालकर हम इसे सेट होने के लिए 2 घंटा फ्रिज में रखें। 2 घंटे बाद निकाल कर इस तरह से हम विस्कर की मदद से चला लेंगे। आप चाहे तो जैसे मिक्सी के जार में मैंने दिखाया चलाकर, आप उस तरह डालकर मिक्सी के जार में भी चला सकते हैं। इस तरह से हमको खूब फेंट लेना है इसे खूब अच्छे से। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। अब हम इसे, ये थोड़ी ब्लैक किशमिश है वो हम डाल दे रहे हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप, थोड़ा सा हम इसमें काजू बादाम पिस्ता डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब इस हमने डिब्बे को बंद करके ओवरनाइट के लिए रखते हैं। बीच में इसके आप एक एल्युमिनियम फॉइल लगा दीजिए। चलिए देख लेते हैं कि हमें ओवरनाइट के लिए रखा था इसको। देखते हैं ये जम गया है। ये देखिए इतना बढ़िया जम गया है।
चलिए इसे आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी हुआ है, लग रही है ना एकदम बाजार जैसी आइसक्रीम। देख रहे हैं ये देखिए कितना बढ़िया बाजार जैसी आइसक्रीम, आप घर पे भी जमा सकते हैं। देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में भी उतनी बढ़िया लगेगी। आप इसी तरह अलग अलग फ्लेवर की भी आइसक्रीम घर पर जमा सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। आप इसी तरह बटर स्कॉच भी कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी कर सकते हैं, वनीला फ्लेवर भी जमा सकते हैं। इसे आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।